अगर आपको पैन कार्ड बनाना है सही वीडियो पे पहुंचे हो गुरु, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में आप पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी अपने से। और इस पैन कार्ड में एक खास बात है, कहीं पे भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना नहीं है, बिल्कुल पेपरलेस है और आपका तुरंत 5 मिनट के अंदर में फ्री में पैन कार्ड बन जाएगा। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पेज पे जब आएंगे तो इस पेज को थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक लिंक्स लिखा हुआ है, तो इस पेज को चलिए हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा इंस्टेंट ई पेन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टेंट ई पेन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने में खुलेगा कुछ इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इजी एंड पेपरलेस प्रोसेस होने वाला है, कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और 10 मिनट के अंदर में आपका पैन कार्ड बन जाएगा। पैन कार्ड जो फिजिकल होता है उसका जो वैल्यू और ई पेन का जो वैल्यू है दोनों का सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब जगह आपका काम में आ जाएगा। उसके बाद ऑल यू नीड इज आधार कार्ड एंड लिंक मोबाइल नंबर, तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। चलिए पैन कार्ड बनाने के लिए प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इस पेज को ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है गेट न्यू ई पेन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पैन कार्ड का स्टेटस या डाउनलोड करना है पैन कार्ड, तो यहाँ पे डाउनलोड पैन कार्ड पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हमको बनाना है और आपको भी बनाना सीखना है, तो गेट न्यू ई पेन पे क्लिक कर देंगे। और आप यहां पे देख सकते हैं एक पेज आपके सामने में खुल जाएगा। तो यहां पे आपको जो है 12 डिजिट का आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो यहां पे चलिए हम आधार नंबर यहां पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद आई कंफर्म डेट वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी वाला। तो इस पेज को थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करेंगे और ये जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है तो इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। और यहाँ पे चलिए हम रीड कर लेते हैं। इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया है इस पे आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देते हैं। इसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके आधार के साथ जो डिटेल लिया गया है तो पैन कार्ड बनाने के लिए वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपको ईमेल आईडी बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नया ईमेल आईडी पैन कार्ड में आप दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देते हैं, चाहे तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर देंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमको ईमेल पैन कार्ड में लिंक नहीं करना, इसीलिए इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। इस पेज को स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल अप करने के बाद आई एक्सेप्ट दैट वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से दोबारा जो ईमेल आईडी हम नहीं दिए हैं स्किप करने पार्ट को, इसीलिए कंटिन्यू हम करते हैं, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपका जो है पैन कार्ड जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और ई पैन के लिए रिक्वेस्ट भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको कहीं पे नोट करके रख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपका पैन कार्ड बन जाएगा और बनने के बाद चलिए हम आपको डाउनलोड करके अब दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिर से इनकम टैक्स के वेबसाइट पर आ जाना होगा, फिर से इंस्टेंट ई पेन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ऐसा करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको पेंडिंग पेज आता है, करंट स्टेटस पेंडिंग आता है, तो कुछ देर के बाद आप ट्राई करेंगे तो यहीं पे आपको इसी पेज पे आपको मिल जाएगा व्यू ई पेन और डाउनलोड ई पेन, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम यहाँ पे डाउनलोड कर भी करके दिखाते हैं या व्यू करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले व्यू ई पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये व्यू हो चुका, आपका पैन कार्ड जो है बन चुका। ये पैन कार्ड कहीं पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम आपको व्यू करके दिखा चुके हैं, अब हम आपको फाइनली डाउनलोड करके दिखाते हैं पैन कार्ड। डाउनलोड ई पेन पे आप क्लिक करेंगे,
डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा आपका पैन कार्ड। अगर यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाता है तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड होता है, तो डेट ऑफ बर्थ में कोई भी स्पेस नहीं देना है। जैसे ही पासवर्ड देंगे आपका पैन कार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर में, और ये पैन कार्ड आप फ्री में बना सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है पैन कार्ड बना सकते हैं इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आके, बिल्कुल फ्री में आपका पैन कार्ड बन जाएगा और वो भी 5 मिनट के अंदर में। कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी को पैन कार्ड बनाना है बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट में बनाना है तो उसको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये मेरे घर पे कैसे आएगा, फिजिकल पैन कार्ड कैसे आएगा, तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाला है। हम आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे, लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे, और ये जो आपने अभी पैन कार्ड देखा है किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, इसको आप फिजिकल भी मंगा सकते हैं, अपने पैन कार्ड को फिजिकल भी मंगा सकते हैं। तो अगली वीडियो उसी पर होने वाला है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी को नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।